जवानी छुपाओ घिरानी। हे गाइज, वेलकम बैक टू दबजानी ऑफिशियल एंड हेयर इज दबजानी। तो आज हम आए हैं प्रशांत सर की रिसेप्शन पार्टी में और यहाँ सब लोग आ चुके हैं। चला अंदर जाते हैं और अंदर जाके ही इन लोगों ने पानी पूरी खाना शुरू कर दिया और जन्नत की हालत देखो। फिर हम जितने लोग गए थे हिस्ट्री ऑनर्स के सारे स्टूडेंट मिलके मतलब सर और मैडम को ये गिफ्ट फ़ोटो फ्रेम हमने गिफ्ट किया था जो कि दिखने में अच्छा ही था और उन लोगों को शायद पसंद भी आया होगा। एंड अंदर बहुत ही अच्छा सेटअप था, डीजे लाइट वगैरह था जो कि प्रशांत सर के घर पे था। रिसेप्शन पार्टी वही आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। एंड यहाँ पे है सुराशीष एंड यहाँ पे हूँ मैं जो कि भूत लग रही हूँ लाइट में। और जिन लोगों को पता नहीं है मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रशांत सर हम लोगों के प्राइवेट टीचर हैं जिनके पास हम कॉलेज के नोट्स वगैरह लेते हैं। एंड यहाँ पे स्नो गिर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे प्रीति भी है हमारे साथ एंड हम सब इनवाइटेड थे सर की रिसेप्शन पार्टी में। तो या आगे, और ये जो साड़ी है ना जो मैंने पहना है वो मेरी मम्मी की बहुत सालों की पुरानी साड़ी है जो पर्पल कलर का थी। वो मैंने वाइट कलर ब्लाउज के साथ पेयर अप किया था कुछ सिल्वर ज्वेलरी के साथ। तो आप लोग कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा ये लुक। एंड अभी खाने के लिए चले जाएंगे। अच्छा क्योंकि सर ने बोला है कि बहुत देर हो चुकी है, आप लोग खाने के लिए आ जाओ, तो हम लोग जा रहे हैं इसलिए। ए किधर रे ओ ब्लॉगर, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और खाने का नाम सुन के ये लोग इतने खुश हैं, खाने के बाद कितने खुश होंगे सोचो। तो अभी खाना का पर्व शुरू करते हैं। यहाँ पे बेगुनी है और दाल भात है, बस यही कैप्चर कर पाई हूँ मैं। एंड यहाँ पे हमारा डांस चल रहा है जो कि मतलब क्या ही चल रहा है मुझे भी नहीं पता, पर हाँ कुछ तो चल रहा है। और यहाँ पे हमारी मैडम जो नई मैडम है वो आ चुकी है, वो हमारे साथ डांस कर रही है। जब तक जवानी छुपाओ घिरानी। तो अभी बारी आ चुकी थी घर जाने का क्योंकि बहुत मतलब अंधेरा हो चुका था। जल्दी ही जा रहे हैं क्योंकि हम आए थे गांधीग्राम जो कि बहुत दूर है अगरतला से, थोड़ा बहुत दूर है, कार इतने इजीली नहीं मिलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू गाइज़।